राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आती हैं। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर लगातार कई सारे ट्वीट किए। पिता लालू यादव को लेकर वो काफी इमोशनल नजर आई। रोहिणी ने एक के बाद एक ट्वीट कर लालू यादव पर घोटाले में आरोपों को लेकर शुरू हुई जांच पर कई बातें कही हैं। साथ ही लालू यादव की एक तस्वीर भी डाली। रोहिणी ने लिखा कि पिता लालू को झूठे केस के मुकदमे में फंसाने का सिलसिला शुरू हो गया है। घोटाले के जनक बरी हो गए हैं। जिन्होंने घोटाले को उजागर किया वो मुजरिम हो गए हैं। वही एक और तस्वीर लालू यादव की साझा की रोहिणी आचार्य ने और लिखा कि लालू जी का क्या कसूर था, यही ना गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना। वर्षों से जो दबे कुचले वंचित थे उनको सम्मान से जीने की प्रेरणा देना, अपना हक और अधिकार की आवाज बुलंद करना, बस यही तो किए थे लालू जी। मगर मनुवादियों को गरीब वंचित शोषित समाज को अधिकार देना नागवार गुजरा। फिर आपको बता दें रोहिणी आचार्य ने हाल ही में पिता लालू यादव को किडनी डोनेट किया है। लालू यादव का दिसंबर में ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। इसके बाद से वो बेड रेस्ट पर हैं। फिलहाल वो बेटी के पास सिंगापुर में है। लालू जल्द ही भारत लौटने वाले हैं। बेटी रोहिणी अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट पोस्ट करती है, लगातार विपक्ष पर भी हमलावर रहती है। वही इस बार रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को लेकर एक इमोशनल पोस्ट जारी किया है, जिस पर लोगों ने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। एक यूजर ने लिखा, कोई नेता वंचित और शोषित बोलते बोलते कितने सौ करोड़ का मालिक हो जाता है और वंचित खुद अपने शोषित महसूस करता है, तो कृपा कर ऐसे नेता लोग वंचित और शोषित की हक की लड़ाई न लड़े तो वही अच्छा है। वही एक और अन्य यूजर ने लिखा, परम आदरणीय लालू जी सही मायने में जेपी नारायण और राम मनोहर लोहिया के समक्ष हैं। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनका काम युगो युगो तक याद रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें एक यूजर ने लिखा कि ये वो आदमी हैं जिसने बेजुबान जानवरों का चारा खाया, बिहार और बिहारियों को नर्क बनाया, इसके कारण बिहारी हर जगह गाली खाता, जातियों को आपस में लड़वाया, हिंदुओं का मजाक बनाया। बहरहाल आपको बता दें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने एक इमोशनल ट्वीट कर विपक्ष पर भी हमला बोला है।